क्या करे क्या ना करे ओ मेरे भाई, आखिर ये कैसी मुश्किल है। दोस्तों आईटीआर ड्यू डेट आपके नजदीक है और हो सकता है कि सिस्टम पे रस होने के कारण या फिर आपके सेव खाली नहीं है या फिर आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत से रीजन है जिसके कारण आपको सकता है आपके ड्यू डेट पर आईटीआर फाइल नहीं हो सके। तो ड्यू डेट के बाद जब आईटीआर आपको फाइल करते हैं उसमें आपको लेट फी देनी पड़ती है, पेनल्टी देनी पड़ती है। तो इस वीडियो बनाने का पर्पस हमारा ये है कि वो टैक्स पेयर जिनको इवन आईटीआर डेडलाइन उनका मिस हो जाए तो भी उनको विदाउट लेट फी विदाउट पेनल्टी वो आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक इनकम टैक्स अधिनियम के अंदर वो कौन से नियम है जिसके अंदर वो आईटीआर फाइल करेंगे विदाउट पेनल्टी और लेट फी, और इसके क्या कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बारीकी देखेंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे सो दैट आपको पूरा इंफॉर्मेशन एक साथ कंसल्टेशन हो जाएगा। सबसे पहले हम जो देखते हैं कि जो आईटीआर का जो ड्यू डेट जो है आपका अभी जो नजदीक में 2020-21 का जो ड्यू डेट है 31 दिसंबर है इंडिविजुअल के लिए, जिसको टैक्स ऑडिट के लिए ऑडिट में कवर नहीं है उनके लिए। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर मिस करता है आईटीआर डेडलाइन तो उस केस में उसको पेनल्टी या लेट फी देना पड़ता है और जो रिटर्न होगा उस बिलेटेड आईटीआर के द्वारा वो फाइल करेंगे। लेकिन सर्टेन इंडिविजुअल जो आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हैं विदाउट पेइंग पेनल्टी इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द डेडलाइन, तो कौन से पर्सन है। तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो प्रोविजन है कि आपको जो लेट फी या पेनल्टी जो देना पड़ता है, एक सेक्शन है सेक्शन 234F जिसके अंदर आपको लेट फी या पेनल्टी पे देना पड़ता है। तो एज पर इनकम टैक्स लॉ नोट एवरीवन इज रिक्वायर्ड टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F फॉर फाइलिंग आईटीआर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डेडलाइन। अगर कोई पर्सन जिसका ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है और वो बिलेटेड आईटीआर फाइल करता है, इन दैट केस उसको लेट फाइलिंग पे पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। यहां पर दोस्त ये समझने की जरूरत है कि ग्रॉस टोटल इनकम होता क्या है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब ये नहीं है कि आपका जो 2.5 लाख का एक लिमिट है तो 2.5 लाख आपको टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन लेने के बाद उसको देखना है। ग्रॉस टोटल इनकम यहां पर आपको देखना है, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है टोटल इनकम आप डिडक्शन लेने के पहले, उसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो डिडक्शन लेने के पहले आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो है आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है आपका उससे अगर ज्यादा नहीं है बिफोर डिडक्शन, सपोज मान लीजिए आपका इनकम टोटल इनकम जो आपका आता है 3.5 लाख रुपया आता है 3.5 लाख, और 3.5 लाख है और आपने जो इनकम टैक्स का डिडक्शन लिया है 1.5 लाख का लिया है अंडर ATC के अंदर, तो इस केस में ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से अबव है। अगर आप सपोज मान लीजिए आपका एज जो है आपका अब 60 ईयर तक है तो आपको 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है, लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देखने के लिए आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो आपको देखना है वो विदाउट टेकिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U के पर देखना है। अब देखते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में इसको हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। आपका एक इस साल मतलब पिछले साल से क्या है कि एक स्कीम है इनकम टैक्स का जिसमें आपको कंसेशनल रेट पर आप टैक्स दे सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी डिडक्शन और एग्जम्पशन, बिना क्लेम नहीं करना होगा आपको कंसेशनल रेट पे 5% 10% 15% 20% इस तरह का एक स्लैब बनाया गया है। तो इसको तो इस केस में अगर जो कोई भी इंडिविजुअल अगर ये न्यू टैक्स रिजिम जो है इसको अगर ऑप्ट करता है तो उस केस में उसका जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है 2.5 लाख है, इवन उसका एज 60 ईयर से ऊपर है 80 ईयर से ऊपर है लेकिन उसका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है जो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 2.5 लाख है। वहीं पे जो ऑल टैक्स रिजिम है वहां पर अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज
60 इयर्स तक है तो उस केस में 60 इयर्स से बिलो है 2.5 लाख है, और सीनियर सिटीजन 60 इयर्स एंड अबव एंड बिलो 80 इयर्स तो उसके केस में 3 लाख है, और अबव 80 इयर्स देन इन दैट केस उसका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख का है। लेकिन अगर न्यू टैक्स रेजिम में अगर ये पर्सन आ जाते हैं तो एज उसके एज क्या है इससे मायने नहीं रखता, उसका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमेशा 2.5 लाख होगा। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को समझना जरूरी है, अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपका कम है तो उस केस में आपको विदाउट पेइंग पेनल्टी अंडर सेक्शन 234A आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं इवन मिसिंग डेडलाइन। दोस्तों इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो एक्सेप्शन पहला एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जिसका ग्रॉस टोटल इनकम इवन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है लेकिन वो 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोविजो के अंदर अगर वो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, और अगर नहीं फाइल करता इवन लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो भी अगर वो कंडीशन में एक भी कंडीशन में अगर फॉल कर जाता है तो उसको लेट फी या पेनल्टी देनी होगी। पहला कंडीशन जैसे आप सेक्शन 139(1) चेक करेंगे तो एक कंडीशन ये है कि अगर उसके जो करेंट अकाउंट है 1 या मोर करेंट अकाउंट में अगर 1 करोड़ से एक्सीडिंग अगर उसका डिपॉजिट है इन बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, या फिर उसने फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख एंड अबव 2 लाख उसने अगर खर्च किए हैं, या फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो 1 लाख से एक्सीड करता है, या फिर कोई भी ऐसा कंडीशन जो इस सेक्शन के अंदर डाला जाएगा, तो इस तरह के अगर किसी भी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो इवन उसका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है उसके इनकम फिर भी उसको ITR ड्यू डेट पर डालना है, अगर नहीं डालता है तो उसको लेट फी देना पड़ेगा। Therefore, if you required to file ITR mandatory due to any of the condition mentioned above, then ensure you have to file your tax return before deadline or else late fee will be levied even if your GTI, gross total income, is below the taxable limit. Dosto, second exception iska ye hai ki agar aap you hold foreign asset, such as a stock of foreign company. If you are an ordinary resident individual with income from foreign asset and your taxable income is below the threshold limit jo hai, then you will have to pay the penalty if you don't file ITR before the deadline. So iske bhi do exception hai. So basic exemption limit se agar aapka kam hai तो आप विदाउट लेट फी पेनल्टी आप ITR फाइल कर सकते हैं इवन मिसिंग डेडलाइंस। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमने देखा ऑल टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में, उसके बाद हमने देखा एक्सेप्शन ऑफ द अबव रूल। ये एक्सेप्शन ये है कि इवन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपका आपका ग्रॉस टोटल इनकम कम है लेकिन अगर कुछ कंडीशन है जैसे करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से अबव डिपॉजिट है आपका 1 एंड मोर करेंट अकाउंट में, या फिर फॉरेन ट्रेवल में 2 लाख से अगर एक्सीड खर्च है, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपका 1 लाख से अबव है, तो इन दैट केस आपको मैंडेटरी ड्यू डेट पे फाइल करना है। अगर मिस करते हैं ड्यू डेट तो उस केस में फिर से आपको लेट फी पेनल्टी देनी होगी इवन योर योर ग्रॉस टोटल इनकम इज बिफोर बिलो द basic exemption limit. Thank you so much for watching this video. In case you have any query or doubt, you may drop your comments or query in comments box, or you may drop your message on this WhatsApp number 9122050937. Thank you so much for watching this video.